समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। इस मैनिफेस्टो की टैगलाइन सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन की शुरुआत ये दी गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस देश में महापरिवर्तन की शुरुआत सामाजिक न्याय से ही संभव है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इस सरकार ने सामाजिक न्याय नहीं किया, आज अमीर और अमीर हो गया है और गरीब हो गया है। समाजवादी सुधारकों की ये सोच थी कि इस देश का विकास तभी संभव है जब सभी की उसकी आबादी के हिसाब से सामाजिक न्याय मिले। अखिलेश यादव ने कहा कि आज विकास कुछ लोगों के हाथों तक ही सिमट कर रह गया है। अखिलेश यादव ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में उन विकास कार्यों का भी जिक्र किया है जो उनकी सरकार में हुए। आगरा एक्सप्रेस हाईवे और डायल 100 जैसे तमाम योजनाओं की बात कही गई है। साथ ही प्राथमिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि देश तभी बदल सकता है जब प्राथमिक शिक्षा में सुधार हो। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के इस विजन डॉक्यूमेंट को लेकर पार्टी के प्रत्याशी, विधायक और कार्यकर्ता मतदाताओं के पास जाएंगे। गौरतलब है कि इस बार सपा, रालोद और बसपा गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि साझा घोषणा पत्र इनका जारी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि लीक से हटते हुए बसपा सपा ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है।